वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को देश का नमन, सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई। पटना के बेटा में शहीद सुनील को दी गई आखिरी विदाई, हजारों की तादाद में जुटे लोग। सेना से सजे धजे ट्रक पर रख कर निकली अंतिम यात्रा, बड़ी तादाद में सेना के जवान भी थे मौजूद। अंतिम यात्रा में उमड़ आया पूरा शहर, लोग अंतिम दर्शन करने को दिखे बेताब। सोमवार को एलएसी पर गलवान घाटी के पास हुई झड़प में दी शहादत, लोगों ने लगाया शहीद अमर रहे के नारे। शहीद कर्नल संतोष बाबू को तेलंगाना के सूर्यपेट में दी गई आखिरी विदाई, श्रद्धांजलि अर्पित करने लोगों का हुजूम उमड़ा। फूलों से सजे ट्रक पर रखा गया शहीद संतोष बाबू का पार्थिव शरीर, सैकड़ों लोगों ने फूल चढ़ाए। सेना के जवानों ने भी दी संतोष बाबू को सलामी, लोगों की आंखें नम हुई। लोगों ने लगाए संतोष बाबू अमर रहे के नारे। संतोष बाबू के आखिरी दर्शन के लिए छतों पर मौजूद थे सूर्यपेट के लोग। लोगों ने घरों से बरसाए फूल और संतोष बाबू को दी सलामी। शव यात्रा के दौरान भावुक हुए लोग। संगरूर में शहीद के परिवार के नहीं थम रहे आंसू, 22 साल के गुरविंदर सिंह ने सरहद की सुरक्षा में कुर्बान कर दी जान। तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे गुरविंदर सिंह, 2 साल पहले सेना में हुए थे भर्ती। 8 महीने पहले हुई थी मंगनी, अगली छुट्टी पर थी शादी की तैयारी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से देश की सरहद की रक्षा करते जवान मनदीप सिंह ने दी प्राणों की आहुति, पटियाला में शहीद के घर मातम। मनदीप सिंह की पत्नी ने बताया 10 दिन पहले विवाद के बारे में फोन पर हुई थी बात। मेरठ में शहीद विपुल रॉय के घर मातम, गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए दिया बलिदान। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वारा के रहने वाले थे विपुल रॉय, लद्दाख में पोस्टिंग आने से पहले मेरठ छावनी में थी तैनाती। सेना की तरफ से परिवार को पश्चिम बंगाल ले जाने का इंतजाम, 5 साल की बेटी तमन्ना बेहद उदास। गुरदासपुर के नायब सूबेदार सतनाम सिंह भी गलवान घाटी में शहीद, गांव में शोक की लहर। शहीद सतनाम सिंह के छोटे भाई भी हैं फौज में, गलवान घाटी के 20 शहीदों में 4 पंजाब के। समस्तीपुर में शहीद अमन सिंह के घर छाया मातम, लेकिन पिता ने बेटे की शहादत पर जताया गर्व। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले अंकुश ठाकुर एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में शहीद, गांव में छाया मातम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एलएसी की घटना से पसरा मातम, 26 साल के राजेश औरंग गलवान घाटी में हुए शहीद। अपने परिवार में अकेला कमाने वाला सहारा था राजेश औरंग, परिवार में मां और 2 बहनें। जमशेदपुर के कोशा गांव में छाया मातम, एलएसी की घटना में 21 साल का जवान गणेश शहीद। लद्दाख में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए थे हवलदार के पलानी, पहले एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि, बाद में शहीद पलानी के पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाया गया, लोगों ने नम आंखों से किए आखिरी दर्शन। चीन के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा, ऊधम सिंह नगर में चीनी सामानों की जलाई होली। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर, चीन से हर रिश्ता तोड़ने की मांग। अनंतनाग में भी चीन की करतूतों का विरोध, बीजेपी मुख्यालय में प्रदर्शन। एलएसी पर तनाव खत्म करने की नई पहल, भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक, चीन के साथ हालात को लेकर करेंगे चर्चा। चीन के 52 मोबाइल ऐप्स पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर, लिस्ट सरकार को सौंपी, सरकार इन्हें कर सकती है ब्लॉक। 41 कोयला खदानों की कमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी शुरू, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोल सेक्टर को मिलेगी मजबूती। कोयला खनन की नीलामी को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया बड़ा सुधार, बोले इससे पहले ये क्षेत्र घोटालों के लिए चर्चित था। चीन पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी, टेलीकॉम मंत्रालय का बीएसएनएल को निर्देश, चीनी कंपनियों को कम मौका दें। संचार मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी दी हिदायत, चीनी कंपनियों की भागीदारी वाले प्रोजेक्ट्स पर फिर करें विचार। 4G फैसिलिटी के लिए अपग्रेडेशन में किसी चाइनीज कंपनी के उपकरणों का नहीं होगा इस्तेमाल, पूरा टेंडर नए सिरे से जारी होगा। टेलीकॉम विभाग का फैसला, सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स को देंगे निर्देश, चाइनीज उपकरणों पर निर्भरता करें कम।
मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट से भी चीनी कंपनियों को बाहर करने की संभावना पर विचार, चीनी कंपनी ने भरा सबसे सस्ता टेंडर। लेह अस्पताल के पास जमा हुए लद्दाख के स्थानीय लोग, शहीदों के सम्मान में लगे भारत माता के जयकारे। लेह में शहीदों के लिए खास प्रार्थना, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। गलवान हिंसा के खिलाफ देश में चीन के खिलाफ जोरदार गुस्सा, सूरत में लोगों ने तोड़ दिया चीनी कंपनी का टीवी। चीन के खिलाफ जयपुर में कर्णी सेना का विरोध प्रदर्शन, बाजारों में चीन के सामान के बहिष्कार की धमकी। हांगकांग में भी चीन के खिलाफ गुस्सा, भारत और ताइवान के लिए समर्थन। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता बोले, पाकिस्तान और चीन भरोसे के लायक नहीं, भारत ऐसा पलटवार करे जिसका सबक चीन याद रखे। चीन और पाकिस्तान, इनके ऊपर हम कभी भी इतबार नहीं कर सकते, बोले इनके मन में हमेशा ही तो भारत को नुकसान करने की इनकी सोच रहती है। सीतामढ़ी में परशुराम सेना का चीन के खिलाफ प्रदर्शन, जिनपिंग होश में आओके नारे लगाए। वैशाली के चकफते निवासी जय कुमार सिंह के घर मातम, गलवन घाटी में दी शहादत। चीन के सामानों के खिलाफ गुस्सा, शुगरपुर में लोगों ने चाइनीज सामान की जलाई होली। भारत चीन विवाद पर सामना ने लिखा, भारत की सीमा से लगे पाकिस्तान नेपाल और चीन तीनों से संबंध चुनौतीपूर्ण, सरकार निभाए अपनी जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, चीन ने निहत्थे सैनिकों को मारने का दुस्साहस कैसे किया, हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्था क्यों भेजा गया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, अनंतनाग में पकड़ा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का नाम है इमरान नबी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एनसीआर के डीएम के साथ बैठक, स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारी भी शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक, कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, कुल आंकड़ा 3,66,000 के पार। 24 घंटे में सामने आए 12,800 से ज्यादा नए मरीज, 1,94,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। 24 घंटे में 334 लोगों की गई जान, देश भर में कोरोना से अब तक 12,237 लोगों की मौत। एनआईए में बढ़े कोरोना के मामले, 4 महिला कर्मचारियों को कोरोना। एनआईए हेड ऑफिस में तैनात थी महिला कर्मचारी, मुख्यालय में अब तक 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। यूपी के कौशाम्बी में आईटीबीपी के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव, 9 जून को आए थे दिल्ली से। त्रिपुरा में बीएसएफ जवानों में कोरोना का कहर, अब तक 163 जवान आए चपेट में। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर तैयारी तेज, शनाई मैरिज हॉल को बदला गया आइसोलेशन सेंटर में। देवरिया में लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव मिला, सीएचसी रुद्रपुर को किया गया सील। राजस्थान में 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आज से फिर शुरू, 136 परीक्षा केंद्रों में हो रहे हैं इंतजाम। अलीगढ़ में सड़क पर बेहोश मिली 12 साल की लड़की, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मध्य प्रदेश कमरिया में गाय को विस्फोटक खिलाया गया, गाय का जबड़ा फटा, अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शहर में आधम का हिरण, अजनबी को देखने जुटी भीड़, वन विभाग ने आप वापस जंगल में छोड़ा। नोएडा में एक महिला ने चलती बस में रेप करने का आरोप लगाया, पुलिस ने जांच शुरू की। आजमगढ़ में बैरक के भीतर मिली सिपाही की खून से लथपथ लाश, पुलिस ने जांच शुरू की। बाड़मेर में पीने के पानी को लेकर महिलाओं का हंगामा, जल बोर्ड के अफसरों ने किया इलाके का दौरा। थाने के झुग्गी इलाके में लगी थी आग, जानमाल के नुकसान की जांच जारी। इंदौर में 8 भारतीय विदेश से लौटे, इनमें 7 अमेरिका और 1 कजाकिस्तान से आया, सभी को होटल में क्वारंटीन किया गया। गुरुग्राम कोर्ट में वकील ने की खुदकुशी, जमीन विवाद के चलते खाया जहर। रायबरेली में बुजुर्ग पिता की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार, 2 बीघा जमीन के लिए बेटे की पर हत्या करने का आरोप। भोजपुरी म्यूजिक कंपोजर मुकेश चौधरी की हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार, दोनों आरोपी यूट्यूब चैनल चलाते थे। 12 में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ा, दोनों की जमकर धुनाई की वीडियो वायरल। हाथरस के जंगल में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, लूटने के लिए
चोरों ने किया था मर्डर। गुजरात के नर्मदा में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में पहुंचने लगे सैलानी, अनलॉक के बाद छाया था सन्नाटा। पूर्वी यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी से राहत। बाराबंकी में भारी बारिश ने किया बेहाल, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, आसमानी आफत से तर हुआ भोपाल। ओडिशा में 19 से लेकर 21 जून तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका में बेकाबू है कोरोना, 21,80,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, करीब 1,20,000 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना वायरस से 45,000 से ज्यादा की मौत, अब तक 9,28,000 से ज्यादा मामले। रूस में भी बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, 5,53,000 से ज्यादा नए मामले, 7,500 लोगों की जा चुकी है जान। पेरिस में बेकाबू हुआ स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, ज्यादा सैलरी और सुविधा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे डॉक्टर और नर्स। कोरोना वायरस के इलाज में डेक्सामेथासोन बहुत कारगर, इंग्लैंड के सरकार ने डॉक्टरों को दी इस्तेमाल की इजाजत। अमेरिका के प्रेस सचिव का बयान, राष्ट्रपति ट्रंप भारत और चीनी सेनाओं के बीच की स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं, लद्दाख में हुई झड़प की ट्रंप को पूरी जानकारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कसा शिकंजा, शिनजियांग प्रांत में उइगर और दूसरे जातीय समूह पर हिंसा के लिए दंडित करने वाले बिल पर किए दस्तखत। पेरू में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच झड़प, पीपीई किट को लेकर हुआ विवाद। कोलंबिया में ड्रग माफिया का सेना की टुकड़ी पर हमला, 6 जवानों की मौत, 8 जवान जख्मी। जर्मनी में कोरोना का नया एपिसेंटर बना एक मीट पैकिंग हाउस, 657 कोरोना मरीजों का मीट हाउस से मिला कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।